सात सहेलियां। भारत का पूर्वी क्षेत्र पहाड़ों पर बसा है और वहां रेल की सुविधाएं नहीं है, इसीलिए वह क्षेत्र शेष भारत के लिए दूर का क्षेत्र लगता है। पूर्व में असम बड़ा प्रदेश है और नागालैंड, मिजोरम जैसे छोटे राज्य भी हैं। क्षेत्र की दृष्टि से अरुणाचल बड़ा प्रदेश है, लेकिन उसकी आबादी बहुत कम है। इस पाठ में हम पूर्व के सात प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य स्वाभाविक रूप से प्रकृति के रहस्यों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। अरस्तु। भारत के पूर्व में एक ही क्षेत्र में सात प्रदेश हैं। इन प्रदेशों को अंग्रेजी में सेवन सिस्टर्स कहा जाता है। हम इन्हें हिंदी में सात सहेलियां कह सकते हैं। चाहे सिस्टर्स कहें, चाहे सहेलियां कहें, इससे एक बात स्पष्ट होती है, बहनों में कई बातें समान होती हैं। लड़कियां किसी को तभी सहेलियां बनाती हैं जब उनमें सामान्य विशेषताएं हों। ये प्रदेश हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। हम यह जानना चाहेंगे कि इन प्रदेशों में कौन सी बातें सामान्य हैं, जिनके कारण इन्हें सहेलियां कहा जाता है। ये सारे प्रदेश पहाड़ी प्रदेश हैं। आप जानते हैं कि हिमालय की श्रृंखला कश्मीर से पूर्व तक लगभग 1500 मील लंबी है। हिमालय के पूर्वी छोर में ये सारे प्रदेश स्थित हैं। पहाड़ों में घर मैदान की तरह कतार में नहीं बने होते। दो पहाड़ों के बीच जो छोटी सी घाटी होती है, उसी में आबादी बसती है। इस कारण एक घाटी से दूसरी घाटी तक पहुंचना अत्यंत कठिन काम होता है। अतः हर घाटी के लोग दूसरी घाटियों से कटे होते हैं। इस दूरी के कारण उनकी भाषा, उनकी पोशाक, उनका रहन सहन सब विशिष्ट हो जाता है। इस बात को हम अरुणाचल में विशेष रूप से देखते हैं। इस प्रदेश में मोनापा, आदि, अपातानी, नोकटे, वांचो आदि कई जनजातियां हैं। इन सब जनजातियों की संस्कृति बहुत विशिष्ट है। रंग बिरंगी पोशाक, विशिष्ट नृत्य शैली, संगीत और वाद्य यंत्र आदि के कारण इन संस्कृतियों का जीवन हमें मोहित करता है। अरुणाचल प्रदेश की आबादी क्षेत्र के हिसाब से बहुत कम है। एक घाटी से दूसरी घाटी की दूरी के कारण हर घाटी की अपनी एक अलग भाषा विकसित हो गई है। आप जानते हैं कि तमिल या बंगला जैसी भाषाएं बोलने वालों की संख्या करोड़ों में है, लेकिन अरुणाचल में ऐसी भी भाषाएं हैं जिनके बोलने वालों की संख्या सिर्फ सैकड़ों में है। पहाड़ी प्रदेश की दूसरी बड़ी विशेषता उसकी हरियाली है, क्योंकि पहाड़ों पर आमतौर पर अच्छी बारिश होती है। आपने सुना होगा कि मेघालय राज्य में चेरापूंजी नामक पहाड़ी स्थल है, जहां वर्ष भर बारिश होती थी। यह भी कहा जाता था कि चेरापूंजी में संसार में सबसे अधिक बारिश होती थी। आज संसार में हर जगह मौसम में परिवर्तन के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इस कारण अब चेरापूंजी में भी बारिश कम होने लगी है। फिर भी इन सारे प्रदेशों में भारत के अन्य स्थानों के मुकाबले ज्यादा बारिश होती है। अधिक वर्षा के कारण पहाड़ों पर वन का विकास हो जाता है। इन वनों में फिर वन्य जीवन का भी विकास होता है। असम राज्य में काजीरंगा नामक क्षेत्र में बड़ी संख्या में गैंडे पाए जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि भारत में गैंडे और कहां कहां पाए जाते हैं? असम भारत में अकेला प्रदेश है जहां गैंडे हैं। पहाड़ी प्रदेशों की बारिश के कारण यहां ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं। वृक्षों के कारण सारे पहाड़ी प्रदेशों में लकड़ी का काफी प्रयोग होता है। जैसे ही आप बस या टैक्सी से इन प्रदेशों के अंदर प्रवेश करेंगे, आप सड़क के दोनों ओर लकड़ी के बने छोटे और सुंदर मकान देख सकते हैं। चूंकि ये सड़कें पहाड़ पर बनी होती हैं, घरों को हमें पहाड़ की ढलान पर बनाना पड़ता है। इस कारण मैदान की तरह यहाँ पक्की नींव वाले मकान नहीं बनते,
बल्कि छोटे लकड़ी के घर लकड़ी के खम्बों पर बने होते हैं। आगे के खम्बे छोटे और पीछे के खम्बे बड़े। कई घर पूरी लकड़ी के बने होते हैं, क्योंकि लकड़ी के खम्बे ईंट गारे के मकान का बोझ नहीं उठा सकते। जंगल की लकड़ी इन प्रदेशों के व्यापार का भी एक साधन है और संस्कृति का भी एक अंग है। कई प्रदेशों से लकड़ी दूसरी जगहों में जाती है, यह इनकी आमदनी का एक स्रोत है। लकड़ी, जिसमें हम बांस को भी शामिल कर सकते हैं, यहाँ की संस्कृति का मूल आधार है। कई प्रदेशों में लकड़ी या बांस की बनी हस्तकला की सुंदर कलाकृतियाँ मिलती हैं। बांस की बनी टोकरियाँ, बजाने के ड्रम आदि लोगों की आमदनी के स्रोत हैं। पहाड़ी जीवन की एक और विशेषता उसकी कृषि से जुड़ी है। गेहूं, गन्ना आदि फसलें मैदानों में उगाई जाती हैं, क्योंकि उनके लिए नियमित रूप से पानी देने की आवश्यकता है। पहाड़ों में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं होती और खेती बारिश के पानी पर ही निर्भर होती है। इस कारण यहाँ की खेती यहाँ की आबोहवा के अनुरूप होनी चाहिए। संयोग की बात है कि चाय की खेती के लिए पहाड़ सबसे उत्तम है। उसे नियमित रूप से पानी चाहिए, लेकिन उसकी जड़ों में कभी पानी जमा नहीं होना चाहिए। इसलिए पहाड़ की ढलान में ही चाय के लिए सीढ़ियों की तरह चारों ओर क्यारियां बनाई जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि पूरे भारत में चाय की खेती दो ही जगह होती है, दक्षिण में नीलगिरी पर्वतों के आसपास और पूर्व के इन प्रदेशों में। असम, मेघालय, दार्जिलिंग आदि स्थानों में विश्व की बहुत पसंदीदा चाय पैदा होती है। पहाड़ी प्रदेशों की कुछ समस्याएं भी हैं। इन 7 प्रदेशों में केवल 2 जगह हम रेल से पहुंच सकते हैं। असम राज्य में गुवाहाटी तक रेल जाती है और नागालैंड में कोहिमा तक रेल जाती है। और सब जगह जाने के लिए लोगों को बस का सहारा लेना पड़ता है। पहाड़ों में बस बड़ी धीमी गति से जाती है, इसलिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कई दिन लग जाते हैं। आबादी कम होने के कारण प्रदेश के लिए आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था भी सुलभ नहीं है। एक उदाहरण दे सकते हैं, भारत के अन्य प्रदेशों में अपना अपना उच्च न्यायालय है। न्याय के लिए लोगों को अधिक दूर नहीं जाना पड़ता। लेकिन जहां तक इन 7 सहेलियों का सवाल है, इनका उच्च न्यायालय केवल असम के गुवाहाटी शहर में है। इस कारण लोगों को न्याय के लिए बहुत दूर दूर तक कष्ट उठाकर जाना पड़ता है। पूर्व के प्रदेशों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी अपनी संस्कृति है। संस्कृति के मुख्य तत्व के रूप में हम संगीत और नृत्य को ले सकते हैं। भारत में 2 तरह के नृत्य के रूप मिलते हैं। एक ओर शास्त्रीय नृत्य और संगीत है, जिसके पीछे वर्षों पुरानी विरासत है। इस तरह के नृत्यों में दक्षिण का भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नृत्य, उड़ीसा का ओडिसी नृत्य आदि मशहूर हैं। इन नृत्य शैलियों के पीछे संस्कृति की पुरानी परंपरा है। मणिपुर में भी इसी प्रकार की एक शास्त्रीय नृत्य की शैली विकसित हुई है। इसे मणिपुरी नृत्य कहा जाता है। नर्तकियां लंबे घेरे का घाघरा पहनकर मंद गति से गायन के साथ नृत्य करती हैं। मणिपुरी नृत्य के लिए कृष्ण और राधा से संबंधित पद रास की शैली में गाए जाते हैं। यह नृत्य लोगों का मन मोह लेता है। नृत्य का दूसरा महत्वपूर्ण रूप लोक नृत्य है। इसी संदर्भ में पूर्व के विविध क्षेत्रों के नृत्य आकर्षण के विषय हैं। असम राज्य में सबसे बड़ा त्योहार बिहू है। बिहू शब्द संस्कृत के विशु शब्द से निकला है, जो संवत्सर के वर्ष का अर्थ देता है। असम राज्य में सूर्य की गति पर आधारित नया वर्ष हर साल अप्रैल 14 या 15 को प्रारंभ होता है। इस अवसर पर पूरे असम में रंगोली बिहू का त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार लगभग 1 महीने तक चलता है, जिसमें स्त्री पुरुष लोक धुन के साथ मस्ती में झूमते हुए नाचते हैं।
असम में फसल काटने के अवसर पर दो और बिहू के त्योहार मनाए जाते हैं, अक्टूबर में कोंगाली बिहू और भोगाली बिहू जनवरी में। इन अवसरों पर भी लोग खुशियां मनाते हैं और नाचते गाते हैं। इस प्रकार का एक उल्लेखनीय लोक नृत्य मिजोरम का है, जिसे बांस का नृत्य कहा जाता है। इस नृत्य में चारों तरफ लोग बांस की बल्लियां हाथ में लेकर उनका स्थान अदल बदल करते हैं। नाचने वालों को इन बांसों के बीच की जगह पैर रखकर नाचना होता है। अगर गलती से बांस बदलते समय पैर फंस जाए तो नाचने वाला नीचे गिर सकता है। इस तरह इस नृत्य में गति और कुशलता का सबसे अच्छा मेल दिखाई देता है। यह नृत्य देखने में अत्यंत रोचक लगता है। अरुणाचल आदि प्रदेशों में हर जनजाति की अपनी विशिष्ट लोक नृत्य की शैलियां हैं। वे अलग अलग पर्वों, त्योहारों और संदर्भों में सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं। पूर्व के प्रदेशों के संदर्भ में हम कुछ विशेष बातें देख सकते हैं। यह प्रदेश प्राकृतिक दृष्टि से बहुत संपन्न है। कई प्रदेशों में लकड़ी और खनिज पदार्थों का अच्छा भंडार है। पहाड़ी प्रदेश होने के कारण वर्षा के पानी से बिजली पैदा करने की यहाँ बड़ी संभावनाएं हैं। असम राज्य में तेल का अच्छा भंडार भी उपलब्ध है। इन सब के बावजूद इस क्षेत्र में विकास कम हुआ है, क्योंकि यहाँ यातायात, बिजली, पानी आदि सुविधाओं की कमी है। भारत सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं, जिनसे इन प्रदेशों का विकास हो सके। शिक्षा की कमी भी एक समस्या थी और उच्च शिक्षा की उपलब्धि भी सीमित रही, लेकिन अब स्थिति में परिवर्तन आया है और शिक्षा में अच्छा विस्तार हुआ है।